Today we are here with a new chapter, that is chapter infrastructure. 10th chapter, it's a bit large chapter, so in between we are dropping it. We will do that topic later on. Today we are starting with the chapter infrastructure. So without wasting your time, let's hit this thing. So infrastructure is support system, or we can say in easy words, foundation of इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कभी भी कोई बिल्डिंग बनती है, चाहे सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बन रही हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हो, तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है. और फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी तभी जाके आपकी बिल्डिंग अच्छे टाइम तक या लंबे टाइम तक खड़ी रहेगी. तो सेम वे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम क्या कह सकते हैं, फाउंडेशन कह सकते हैं. किसका? कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का. तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको कहना है ये वो बेस है जिसके ऊपर कंट्री का डेवलपमेंट शुरू होता है. और ये दो टाइप का होगा, या इसमें दो तरीके के डेवलपमेंट की बात होगी. वन इज इकोनॉमिक एंड सेकेंड इज सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. यही से इंफ्रास्ट्रक्चर के दो टाइप्स निकल के आते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा दो टाइप का होगा. आपने 11th क्लास में भी और पिछला जो अभी तक जितना आपने स्टडीज़ किया उसमें भी कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आपके आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा दो टाइप का होता है. देर आर टू टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड इज कॉल्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हम बात करते हैं पावर की, हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, हम बात करें कम्युनिकेशन की, हम बात करें बैंकिंग की, तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं या जिसको हम कह सकते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको डायरेक्टली असिस्ट करने का काम इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है. सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमने बात की पावर, एनर्जी भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज, इनका डायरेक्ट लिंक होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से या हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज से चल रही है. यानी जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इकोनॉमिक साइड डेवलप होगा, उतना बेटर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक्सपांशन हो पाएगा. सेकेंड टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करते हैं एजुकेशन. रिमेंबर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हमने डिस्कशन किया था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और बाकी सारी बातें की थी. तो एजुकेशन हम डिस्कस करके आ चुके हैं, हम हेल्थ केयर के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, प्रॉपर सैनिटेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करते हैं. अब हमने पहले डिस्कस किया है कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं. और क्यों गवर्नमेंट एजुकेशन पे हेल्थ ध्यान दे रही है, तो ह्यूमन कैपिटल वाले चैप्टर में हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया है. इसके अलावा हेल्थ केयर एक अच्छी एफिशिएंसी होने के लिए या एक अच्छे एफिशिएंट वर्कर के लिए हेल्थ केयर होना बहुत अच्छा है. तो स्किल्स, एफिशिएंसी, बेटर हेल्थ केयर, यही सब जाके आगे हमारे वर्कर को ह्यूमन कैपिटल में एक बेहतरीन एसेट के तौर पर या एक बेटर एसेट के तौर पर प्रेजेंट करेगी. सो दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. एजुकेशन वाला टॉपिक हम पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं. हेल्थ केयर वाला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज डिफाइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज इकोनॉमिक एंड दिस इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर नोइंग द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट आर इकोनॉमिक एंड सोशल, लेट्स हिट व्हाट इज द रोल और इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इन कॉमन, एज आई सेड, दिस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इकोनॉमी. तो सेम वे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज या और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी हैं, दे विल ऑलवेज डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. इन डिटेल इफ वी से, दिस प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी. नाउ सी ऑल द थिंग्स दैट आर पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इकोनॉमिक फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज आर प्रॉपरली वर्किंग, दैट मीन्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्टिव. ऑल्सो द पर्सन्स आर एजुकेटेड, दे आर हेल्पफुल, दे आर स्किल्ड, एंड ऑल्सो दे आर हैविंग ऑल सेट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट. सो ऑब्वियसली उनका वर्किंग बेटर होगा, दे विल गेट बेटर कंडीशंस, एंड द सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑल्सो वर्क दैट वे, एंड द प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल प्रोडक्शन और आउटपुट विल इंक्रीज. द सेकेंड पॉइंट कम्स,
डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड मतलब होता है अट्रैक्ट. अब जैसे हमने, अगर आपको याद हो तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादातर हम जब बिजनेसमैन से बात करें कि वो एक अर्बन एरिया में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं या रूरल एरिया में, तो आंसर डेफिनेटली आएगा अर्बन एरिया में. क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में उनको हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बैंकिंग अच्छा डेवलप मिल जाएगा, जबकि रूरल एरिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अच्छे से नहीं मिल पाता है. तो ऑब्वियस है कि जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा, चाहे वो इकोनॉमिक सिनेरियो में हो चाहे सोशल सिनेरियो में हो, तो वो आपके डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. अभी मैं अगर बात करूँ तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री के तौर पर हम बात कर सकते हैं. जैसे हम नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनसे कंपेयर करें तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इनके मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छा है. इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर आ रहा है. साथ के साथ गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ना केवल शहरों में, अर्बन एरिया में, बल्कि रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो. तो उसके लिए कि यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप होगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट वहाँ पहुँच जाएगा. नेक्स्ट इज जनरेट्स लिंक. अब जनरेट्स लिंक का मतलब ये है कि ये जितने भी इंडस्ट्रीज़ मैंने नाम ली, जैसे पावर खुद एक इंडस्ट्री है, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन खुद एक इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन खुद एक इंडस्ट्री है, तो अब अगर ये इंडस्ट्रीज डेवलप हैं, या हम बात करें कि अगर हम इनको इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक की तरह पढ़ रहे हैं, तो ये अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रही है. तो अदर इंडस्ट्री के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी पावर का भी डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है, कम्युनिकेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है. दैट मीन्स ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने आप को डेवलप करने के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करती हैं. यानी सारी इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. एक जैसे जस्ट एन एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, कुछ सालों पहले तक इंडिया में नेट या जिसको हम डेटा पैक बोलते हैं उसकी प्राइसेस बहुत हाई थी, बट आज की तारीख में डेटा पैक बहुत सस्ते हो गए हैं. तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से अदर इंडस्ट्रीज़ को भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही है. तो साथ के साथ डेटा इंडस्ट्री का है, जिसको हम बोल सकते हैं 4G और 3G डेटा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है. तो सेम वे अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से दूसरी इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी मिल पा रही है. तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को भी, खुद को भी फ़ायदा मिल रहा है. बड़े बड़े बैंक्स हमारे यहाँ वर्किंग कर रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ सर्विसेज वर्क कर रही हैं, तो इससे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिल रहा है. साथ के साथ हमारा बैंकिंग सेक्टर भी डेवलप होता जा रहा है. यानी सारी इंडस्ट्रीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर खुद सारी इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है. आपस में दोनों म्यूचुअल एक दूसरे का डेवलपमेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ बेटर मार्केट साइज या इम्प्रूव मार्केट साइज. इफ़ यू रिमेंबर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपके मार्केट साइज़ को भी इंक्रीज़ करता है. कैसे? आपको अगर याद हो तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ जानबूझ के रेलवे यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ओपन की. क्यों? क्योंकि उनको अपना मार्केट साइज़ बढ़ाना था. इसके अलावा अभी हम बात कर सकते हैं कि जैसे अभी रिसेंट ईयर्स में हम डेटा रिवोल्यूशन जिसको बोल रहे हैं, यानी 3G 4G डेटा के एरिया में हमारे इंडस्ट्रीज ने जो डेवलपमेंट किया है, उसकी वजह से आज देखिए हम ई कॉमर्स यानी कि बिजनेस थ्रू इंटरनेट कितना हमारे यहाँ बढ़ गया. आज हर छोटे से छोटा बच्चा, आज हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है. तो ये सब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज कंपनीज़ को अपना मार्केट बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा. ट्रांसपोर्टेशन उनके प्रोडक्ट को फिजिकल मूवमेंट में काम में आएगा और साथ के साथ अदर फैसिलिटीज़. अब इसमें देखिएगा पावर भी कहीं ना कहीं यूज़ आएगा, अच्छी बैंकिंग फैसिलिटीज़ होना भी अच्छी है, ज़रूरी है. मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्टेशन करके अपने प्रोडक्ट को दूसरी जगह पहुँचा दिया, बट बैंकिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, पेमेंट्स में डिलेज हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपका डेवलपमेंट ब्लॉक हो जाएगा. यानी जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है. अभी मैंने पिछले पॉइंट में ही बोला था, सारी इंडस्ट्रीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर खुद भी अदर इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंड करता है. म्यूचुअल डिपेंडेंस चल रही है. नेक्स्ट इज़ एबिलिटी टू वर्क. अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के दो मेजर पॉइंट्स हमने उठाए थे, दैट वर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की वजह से हमने देखा था कि एजुकेशन के थ्रू पर्सन स्किल्ड होता है एंड
इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह को भी हमने डिस्कस किया था, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम पढ़ चुके हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वजह से पर्सन में स्किल्स डेवलप होती है, जिसका वो अपने इन फ्यूचर जो भी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने जा रहा है उसमें उसको यूज़फुल वे में यूज़ कर सकता है। इसके अलावा हमने हेल्थ केयर की बात की, हमने डिस्कस किया था कि पर्सन भले ही स्किल्ड है बट अगर उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो अपने वर्क फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों ही आपके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल हैं और वो आगे जाके आपके कहीं ना कहीं वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है एंड यू परफॉर्म वेल इन टू योर स्पेसिफिक फील्ड। एंड फाइनली इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट ये है कि अदर फॉरेन कंपनीज जो हैं स्पेशली BPO इंडस्ट्री, वो आज की तारीख में इंडिया को प्रेफर कर रही है। 1991 में हमारी इकनॉमी के ओपन होने के बाद ये सेक्टर बहुत बूम में आया है। इसके पीछे रीज़न यही है कि जितनी IT रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में हुई है उतना IT रेवोल्यूशन और किसी कंट्री में नहीं हुआ है। प्लस अदर जो फैसिलिटीज़ हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, वो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही डेवलप हुए हैं और इसी वजह से आज की तारीख में हम आउटसोर्सिंग के लिए दुनिया में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे पहचाने जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेली रूटीन लाइफ और इन द इकोनॉमी।